हेलो डियर स्टूडेंट्स, 12 साइंस कॉमर्स सब्जेक्ट इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज लेट इन डिसेंबर, डार्कनेस इंक्रीज, द डेंजर एज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एज ही वाज क्वाइट टायर्ड। He heard the sound of hammer strokes. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. He reached a forge, forge यानी भट्ठी, जहाँ लोहे का काम चलता है, okay, where the master smith and his helper sat near the furnace waiting for the pig iron to be ready to put on the anvil। यहाँ पे pig iron dear students, यानी iron extracted from mines, तो खान से निकलता हुआ जो लोहा होता है उसको pig iron बोलते हैं। ओके एंड डियर स्टूडेंट्स, anvil ए हैवी आयरन ब्लॉक ऑन विच स्मिथ वर्क्स, तो यहाँ पे काम करता है ये स्मिथ। देयर वेयर मैनी साउंड्स, बिग बेलोज ग्राउंड, बर्निंग कॉल क्रैक्ड, द फायर बॉय सॉलिड चारकोल विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, द वाटरफॉल रॉर, अ शार्प नॉर्थ वाइंड व्हीप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। On account of all these noises, the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until the stranger stood close up to the furnace. डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में बात करते हैं जब ये पेडलर होता है, यहाँ पे उसको स्ट्रेंजर, पेडलर, इंट्रूडर, ये सब अलग अलग नाम है रेड ट्रैप के। रेड ट्रैप पर जो है यहाँ पे जो ये फंस गया है, रेड ट्रैप बेचने का जो काम करता है, यहाँ पे ये दिसंबर, लेट इन दिसंबर, जो पूरा वो जंगल की ओर घूमता है, रास्ता दिखाई नहीं देता, थक चुका है, एक ही जगह पर बार बार चलते चलते भागते भागते आता है। अब वो पूरा ये घने जंगल के अंदर पूरा उसने एक आस खो दी है, थोड़ा दुखी हो गया है और वो ग्राउंड का ऊपर थकने के कारण नीचे पड़ जाता है और वहाँ पे वो गिर के ऐसे हालत ख़राब हो जाती है, टूट जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है। और जैसे ही ज़मीन पर गिरता है उसके कानों में एक हैमर का स्ट्रोक का आवाज़ सुनाई देता है कहीं पर, जैसे बड़े हथौड़े से कोई लोखंड के ऊपर कोई मारता हो, ऐसे बड़ी बड़ी आवाज़ ज़मीन के कान रखने से वो गिरता है तो उसको सुनाई देती है कि कुछ है नज़दीक में, कोई है। तो वहाँ पे वो उसको आवाज़ सुनाई देने के बाद वो पूरी ताकत को समेटता है। समेटने के बाद जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही है, जहाँ से वो आवाज़ आ रही है उस दिशा की ओर वो आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर एक फोर्ज है पूरा, और एक आयरन मिल है वहाँ पे, जो मास्टर स्मिथ है वहाँ पे वो काम करता है उसके हेल्परों के साथ, और पूरी जो भट्ठी है वो भट्ठी के अंदर वो लोहा डालते हैं और गर्म उसकी जो स्टीम होती है वो बाहर निकलती है, और लगातार ये मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर यहाँ पे काम करते नज़र आ रहे हैं। और सामने एक दूसरा भी ऑथर बताते हैं कि एक बाजू पवन चलती है, बरसात आती है और ब्रिक टिल रूप के ऊपर ऐसे क्लेटरिंग जो है उसकी आवाज़ आती है, तर 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 जो रूप के ऊपर बारिश की आवाज़ आती है, ओके, जो फास्ट बारिश होती है उसकी आवाज़ आती है, एक बाजू पवन चलता है, एक बाजू वाटरफॉल है वो वहाँ से भी आवाज़ आती है। ये अलग आवाज़ है जो एटमोसफियर के अंदर हो रही है, परंतु जो मास्टर स्मिथ है और उसका हेल्पर है उसको कुछ लेना देना नहीं है वो आवाज़ के साथ, और ये सब एटमॉस्फेयर जो चेंज हुआ है बाहर उसकी आवाज़ के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है, वो लगातार अपने काम में अपना जो फोर्ज है उसके अंदर अपने काम के अंदर मशगूल है। और उसके बीच में ही यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइसेस द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट द मैन, तो यहाँ पे जो ये ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार है, ये जो मास्टर स्मिथ है, उसको कुछ पता नहीं है। दरवाज़ा खोल के वो जो आता है यहाँ पे स्ट्रेंजर, ओके पैडलर, वो
यहाँ पे अंदर आता है और आके सीधा फर्नांस जो है वहाँ के बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हो जाता है। तब तक स्मिथ को कुछ पता नहीं कि अंदर एक आदमी आ चुका है दरवाज़ा खोल के। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर विथ अ लॉन्ग बट डर्टी रैग एंड विथ अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। The peddler asked for permission to stay. The master blacksmith nodded hotly consent without saying a word. Just then the iron master who owned the Ramsjo iron mill came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. तो यहाँ पे अब ये अंदर आ गया है, ब्लैक स्मिथ उसको देखता है और एक कैजुअली लुक देता है, यानी उसको अटेंशन नहीं देता। ओके, इनडिफरेंटली जो इंट्रूडर आ रहा है वो इनडिफरेंटली, यानी कि ऐसे लोग तो आते रहते हैं जंगल के अंदर, ये पूरा आयरन मिल है तो ऐसे लोग तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसको क्या अटेंशन देना। वो अपने काम में वापस मशगूल हो जाता है, अटेंशन नहीं देता, कैजुअली लुक देता है। इंट्रूडर जो है, पेडलर जो है, यहाँ पे परमिशन लेता है। यहाँ पे उसकी जो लॉन्ग बर्ड है, डर्टी रैगेड कपड़े है, वो पूरा उसके शरीर पर रेड ट्रैप टंगे हुए है उसकी चेस्ट के ऊपर, ये सब हालत देख है। और पेडलर उसको परमिशन लेता है उसके पास से कि क्या वो एक नाइट यहाँ पे स्टे कर सकता है। और उसी दौरान जो है ब्लैकस्मिथ उसको नॉडेड करता है, यानी बस खाली कैजुअली उसको कंसेंट देता है कि कोई चिंता नहीं है। ओके, और विदाउट सेइंग ए वर्ड बस अपनी आंखों से वो इशारा करता है और कंसेंट दे देता है, तो और अपने काम में वापस मशगूल हो जाता है। मगर जैसे यहाँ पर राउंड की बात है, तो आयरन मास्टर जो है, यानी ये पूरा जो फोर्ज है उसका जो मालिक है, भट्टी का मालिक जो आयरन मिल है जिसका नाम डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको इस पैराग्राफ में पता चला है। ओके, तो जो राम्स जो मिल है, आयरन मिल, उसका मालिक आता है, जैसे वो वहाँ पे लोग बराबर काम करते हैं नहीं, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए वो यहाँ पे एंटर होता है। द आयरन मास्टर सो द पर्सन इन अ डर्टी टॉन क्लोज एंड हैड मूव सो क्लोज टू द फर्नेंस दैट स्टीम वॉज राइजिंग फ्रॉम हिज वेट रैग्स। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, लुक हिम वेल over very carefully, then he tore off his hat which had a wide flexible brim to get a better view of his face. He called him Nils Olof and wondered how he looked. यहाँ पे थोड़ा अब कहानी में ट्विस्ट आता है। डियर स्टूडेंट्स, आयरन मास्टर आया है यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए और ये जो है ये पेडलर को और देखता है, ये स्ट्रेंजर को देखता है, उसके डर्टी क्लोज को देखता है और वो वापस नज़दीक जाता है, थोड़ा और नज़दीक। ये पेडलर जो वहाँ पे लेटा हुआ है, समेटा हुआ है और उसके पास जो पेपर्स वगैरह है उसके अंदर उसने अपने शरीर को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा भट्टी से जो गर्मी आ रही है, हीट आ रहा है, उसको थोड़ा कवर करते हुए वो वहाँ पे समेटते हुए वहाँ पे पड़ा हुआ है भट्टी के पास। स्टीम्स जो है वो राइजिंग है और उसके जो वेट रैग्स है उसको थोड़ा ये संभालते हुए, अपने आप को बचाते हुए वहाँ पे एकदम जैसे क्रंच पोजीशन के अंदर है और वो लुक एकदम नज़दीक जाता है आयरन मास्टर जो उसकी मिल है वहाँ पे, वो कि ये कौन है ज़रा देखने दो मुझे, और वो वहाँ पे जाता है और उसके फटे हुए कपड़े और उसकी जो है वाइड फ्लेक्सिबल ब्रीम जो हैट है उसको थोड़ा सा उठाकर वो देखने की कोशिश करता है, तो उसको लगता है कि ये तो नील्स ऑलऑफ है और वो सोच में पड़ जाता है कि यार तू ऐसा क्यों दिखता है, तेरी हालत तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही डिस्पेयर हो गया है, बहुत ही पुअर हो गया है, बहुत ही हालत ख़राब है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये पुराना कुछ उसका दोस्त है ये, अभी उसको ऐसा महसूस होता है क्योंकि उसकी जो दाढ़ी है, बर्ड है, वो भी लंबी हो चुकी है और पूरा बॉडी लैंग्वेज, पूरा यहाँ पे पर्सनालिटी पूरा चेंज है। तो उसको लगता है कि नील्स ऑल ऑफ है जो यहाँ पे आया हुआ है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्स जो
and did not even know what his name was. He thought that the Iron Master might perhaps throw his old acquaintance a couple of kroner, so he did not tell him that he was mistaken. The Iron Master observed that he should not have resigned from the regiment. Then he asked the stranger to come home with him. The tramp did not agree. He thought of the 30 kroner. Going up to the manor house would be like throwing himself into the lion's den. Author बताते हैं कि अब ये जो आयरन मास्टर है वो उसको कहता है कि ये उसका दोस्त है, जाना पहचाना है, मगर रेड ट्रैप्स जो है उसने कभी भी आयरन मास्टर को नहीं देखा। पहली बार वो राम्स जो मिल के अंदर उसको देख रहा है, और अभी आयरन मास्टर जो है उसको बस अपना दोस्त मानते हैं, मगर यहाँ पे पैडलर जो है वो ये बात छुपाते हैं कि शायद ये कुछ मिस्टेकन वाली बात है। आयरन मास्टर बोल रहा है, मैं तो जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, मैंने कभी रेजिमेंट में काम भी नहीं किया, यानी मिलिट्री का एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे मैंने काम भी नहीं किया, मैं उसके साथ था भी नहीं, मगर जो पुरानी एक्वेंटेंस है यानी फैमिलियर जो पहचान है, ये उसको ऐसा लगता है कि ये चेहरा जो है नील्स ओलाफ का, ये इसके साथ मिलता जुलता आता है अभी इस परिस्थिति में, क्योंकि ये रेजेड जो ड्रेस है और जो पुअर कंडीशन है उसके हिसाब से आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि ये मेरा दोस्त है। ओके, और वो यहाँ पे ऐसा बोलता है कि क्यों आपने रिज़ाइन कर दिया, वहाँ तो अच्छी पोजीशन थी आपकी। और वो स्ट्रेंजर को आयरन मास्टर बोलता है कि एक काम कर, अभी तू मिल ही गया है मेरे को, तो मेरे साथ तू घर चल। और यहाँ पे जो पैडलर है, जो ये रेड ट्रैपर है, उसको जो है ऐसा लगता है कि ये मेरे पास जो मैंने चोरे हुए जो पैसे हैं, मैंने ये क्रॉप्टर के, ये मेरे चले जाएंगे, उसके घर पे जाऊँगा तो पता चल जाएगा। और दूसरा कि यार ये मैनोर हाउस जाना है, मैनोर हाउस यानी जमींदार के घर जाना, ये बड़े बंगले में जाना, यानी अब खुद को लायंस के डेन में ले जाने जैसा होगा, यानी मैं फंस जाऊंगा और पता चल जाएगा कि मैंने पैसे चुराए हैं और पुलिस भी मुझे पकड़ सकती है। तो वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, मगर यहाँ पे ये जाने के लिए तैयार नहीं है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद इसकी जो रिक्वेस्ट होती है यहाँ पे नहीं मानता, और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना है, नहीं आना है आपके घर के घर पे नहीं आना है। मगर जो कन्विंसिंग पावर है वो आयरन मास्टर है, उसकी लड़की का ज़बरदस्त कन्विंसिंग पावर है। अब आयरन मास्टर उसकी लड़की को भेजते हैं उसको घर पे लाने के लिए। द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बरेस बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। ही सेड दैट हिज वाइफ Elizabeth was dead, his boys were abroad, and only his oldest daughter was with him. He invited the stranger to spend Christmas with them. The stranger said no thrice. The Iron Master told Saint Destrom, the blacksmith, that Captain Von Stahl preferred to stay with him that night. He laughed to himself and went away. यहाँ पे आयरन मास्टर बताता है कि इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, कपड़े बहुत ही गंदे फटे हुए पहने हैं, इसलिए वो एम्ब्रेस हो रहा है, मुझे पहचान नहीं रहा है, या मेरे घर पे आने से शर्मा रहा है। और वो बोलता है कि अब एलिजाबेथ भी नहीं, मेरी वाइफ एलिजाबेथ, यानी आयरन मास्टर की वाइफ एलिजाबेथ भी नहीं रही दुनिया में, उसके दो लड़के हैं, ओके, वो एब्रोड है, फॉरेन के अंदर है, जो बड़ी लड़की है, ओके, वो बस उसके साथ रह रही है, और क्रिसमस जो ईव है यानी क्रिसमस के आगे वाला जो दिन है, वहाँ पे बस वो इनवाइट करता है कि तुम हमारे घर पर आओ और वहाँ हम लोग रहते हैं और एन्जॉय करेंगे क्रिसमस ईव को। वो तीन बार उसको रिक्वेस्ट करता है, पर वो कुछ नहीं आंसर देता, बोले मैं ठीक हूँ यहाँ पे। और वो आयरन मास्टर जो जेंस्ट्रॉम है ब्लैकस्मिथ, उसको भी बोलता है कि आप उसको बोलो कि वो मेरे साथ चले, मगर ये चलने के लिए तैयार नहीं है। और बस फिर वो वहाँ पे वो हंसता है और वहाँ से चला जाता है आयरन मास्टर। डियर स्टूडेंट्स, हाफ एन आवर लेटर
द साउंड वॉज कैरेज व्हील्स वॉज हर्ड आउटसाइड द फोर्ज. द आयरन मास्टर सेड, डॉटर, आयरन मास्टर्स डॉटर केम देयर फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग अ बिग फर कोट. शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ एज एडला विमलसन. शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड. शी थॉट दैट द आइदर ही हैड स्टॉलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल. शी हाउ एवर अज्यूम हीम दैट ही वुड बी अलाउड टू स्टे विथ them over Christmas Eve. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler agreed to go with her. The fur coat was thrown over his rags and he followed the young lady to the carriage. On the way, the peddler thought why he had taken that fellow's money. He was sitting in the trap and would never get out of it. अल्लाह, ये पैराग्राफ में ऑथर बताते हैं कि अब आयरन मास्टर तो चला गया, आधे घंटे के बाद वो अपनी लड़की को, जिसके पास कन्विंसिंग पावर ज़्यादा है, वो भेजता है अपनी लड़की को. यहाँ पे वो कैरेज व्हील्स का आवाज़ आता है, यानी वो घोड़ा गाड़ी का आवाज़ आता है, और वहाँ पे वो फोर्ज के बाद बाहर वो और स्कॉट यहाँ पे खड़ा रहता है, और आयरन मास्टर्स की डॉटर आती है और उसके साथ उसका एक वेटर आता है, वैलेट वेटर, और उसके साथ वो एक अच्छा सा कोट लेके भी आई हुई है बड़ा सा उसको पहनाने के लिए ये पेडलर को. और वो इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम एडला है, विमलसन है. मगर जब एडला देखती है ये, तो वो आदमी पूरा डरा हुआ है, पेडलर डरा हुआ है, और उसको लगता है एडला को कि ये शायद किसी ने कुछ चोरी की है या ये जेल से भागा हुआ लगता है, ये मेरे पिताजी का दोस्त तो नहीं लगता उसकी कंडीशन देखते हुए. फिर भी हाउ एवर एश्योर हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू, वो उसको एश्योर करती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ और आप मेरे घर चल सकते हो और फ्रीली मेरे साथ बातचीत कर सकते हो और कोई चिंता करने वाली बात नहीं है. और इस तरह से वो पूरा कैप्टन उसको समझती है, क्योंकि उसके पिता ने बोला है कि मेरे साथ था वो रेजिमेंट में, तो वो कैप्टन समझती है, रिक्वेस्ट करती है कि तुम चलो और क्रिसमस ईव हम लोग साथ में बिताएंगे. और यहाँ पे वो उसका जो फ्रेंडली मैनर है एडला का, उसके अंदर ये रेड ट्रिप आ जाता है और यहाँ पे एग्रीड हो जाता है कि चलो मैं आपके घर आने के लिए तैयार हूँ. और वो जो फटा हुआ उसने जो कपड़े पहने उसके ऊपर वो नया कोट लेके आई है, तो उसको कोट भी पहनाती है. इतना अच्छा नेचर है एडला का, काइंड नेचर है, और बहुत ही प्यार से वो उसको पहनाती है, उसके ऊपर रख देती है. और यंग मैन जो है वो लेडी के साथ, ओके, ये रेड ट्रिप पेडलर या स्ट्रेंजर है, उसके साथ जाता है. अब वहाँ पे बीच में उसको घर पहुँचने से पहले रास्ते में उसको ऐसा लगता है कि मैंने वो आदमी का पैसा क्यों चुराया, जब दो लोग इतने अच्छे हैं, ये लड़की इतनी अच्छी है, पेडला इतनी अच्छी है कि कितनी अच्छी मैनर से, कितने अच्छे प्रेम से मुझे अपने घर ले जा रही है, तो पैसे चोरने की कोई ज़रूरत नहीं थी. और वहाँ पे बैठे बैठे, कैरेज पे बैठे बैठे उसको लगता है कि अब वो ट्रैप में फंस चुका है, वो भी रेड ट्रैप में फंस चुका है, अब ये इसमें से कहीं पर वो बाहर नहीं निकल सकता. और इस तरह से वो अपने घर ले जाती है एडला पेडलर को.